अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं खैरियत से हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में खैरियत से होंगे। टुडे बेटा वी हैव टू स्टडी आवर वन क्लास इंग्लिश लेसन। द पेज नंबर ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज 77। ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 7। इसका जो टॉपिक है वो है किरण ट्री, किरण का दरख्त। सो लेट्स सी व्हाट हैव वी हैव इन दिस स्टोरी। तो लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ मैंगो ट्री। ये आमों के दरख्त की तस्वीर देखिए। इट इज इन किरण्स गार्डन। ये किरण के बाग में है। इट इज बिग एंड शेडी ट्री। ये एक बड़ा और सारादार दरख्त है। इन समर गर्मियों में देयर आर मैनी मैंगोज ऑन इट। इस पे बहुत सारे आम लगते हैं। किरण लव्स द ट्री। किरण इस दरख्त से बहुत प्यार करती है। When there is no school, जब स्कूल नहीं जाना होता, किरण plays under the tree, किरण इस दरख्त के नीचे खेलती है। She even eats her lunch under it, हत्ता के वो अपना दोपहर का खाना भी इसी दरख्त के नीचे खाती है। Sometimes किरण climbs the tree and hides among the leaf, बाद औकात किरण इस दरख्त के ऊपर भी चढ़ती है और इसके पत्तों में छुप जाती है। She picks a green mango, वो एक सब्ज आम तोड़ती है। शी सिट्स ऑन द ट्री, दरख्त पे ही बैठी रहती है एंड ईट्स द मैंगो, और आम खाती है। तो अब बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो दरख्त हैं, और मैंगो का भी दरख्त उसी में है, तो दरख्त जो है वो जिंदगी का सबूत है। इंसानों को जिंदा रहने के लिए दरख्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें भी चाहिए कि हम जरूर अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द, जहां भी हमें, अपने जमीनों में, कहीं भी हमें जहां पर जगह मिलती है वहां पर हम दरख्त जरूर लगाएं, क्योंकि ये हमारा ही फायदा है इसमें। अब जो इस सबक के जो वर्ड मीनिंग थे वो समर, मौसम गर्मा के मौसम को कहते हैं। शेडी, सरादार, घना। अंडर, नीचे। क्लाइंब, चढ़ना। हाइड, छुपना। अमंग के दरमियान। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग थे जो इस सबक के थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको जरूर घर में आप स्टडी भी कीजिएगा, लर्न भी कीजिएगा। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।